गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबको हैप्पी धनतेरस। तो यहाँ रात को हम लोग जा रहे थे, थोड़ा सा मुझे तोरण वगैरह लेना था क्योंकि दरवाजे के लिए मैंने एक तोरण तो लिया था डीमार्ट से, जो कि कापड़े का और वेलवेट का था। तो पर मुझे मोतियों वाला लेना था, सबके दरवाजे आजू बाजू वाले के देखा तो मुझे भी लेने का दिल किया। तो यहाँ वेराइटी शॉप जो रही थी वहाँ बहुत अच्छे आपको डेकोरेशन प्रोडक्ट और बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे एक तोरण यहाँ पसंद आया, गिना चुना ही रह गया था, बाकी तो सब बिक गए थे। तो ये वाला मुझे पसंद आया, एक दरवाजे के लिए लिया और एक लिया मैंने अपने मंदिर के लिए जो कि नया लाया था मैंने, जैसे कि आपने ये ब्लॉग में से पहले आपने देखा ही होगा। फिर हम लोग वहाँ से गए वडोदरा देखने, क्योंकि वडोदरा इतना सुंदर लिख रहा है। कहीं ब्लॉग में मैंने आपको बताया भी था कि वडोदरा में मोदी जी आने वाले हैं, तो इसीलिए वडोदरा को इतना पूरा सजाया था मैंने। थोड़ी थोड़ी जो क्लिप मेन है वो ही इस ब्लॉग में ऐड की है, तो आप देख सकते हैं पूरा वडोदरा ऐसे दुल्हन की जैसा ही लग रहा है। अभी भी दिवाली होने के बाद भी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो भी अभी भी ऐसा ही सजाया है और इतना सुंदर लग रहा था पूरा वडोदरा में, जहाँ जहाँ से मोदी जी जाने वाले थे वहाँ वहाँ से। और ये लक्ष्मी विला पैलेस से आपने अगर सुना ही होगा ये नाम, तो ये महल को भी पूरा सजाया था क्योंकि मोदी जी यहाँ खाना खाने के लिए भी जाने वाले थे उनके यहाँ। तो फिर ये सब वडोदरा देखने के बाद हम लोग शाम को घर वापस आए और विहान को जो पॉपअप रहते हैं वो फोड़ने में बड़ा ही मज़ा आता है, तो वो मैंने बहुत सारे लेके भी रखे थे। तो यहाँ उसने पॉपअप फोड़ने के लिए थोड़ा सा फोड़ा, फिर डरने लगा, फिर बाकी उसने नहीं फोड़े। फिर रात को मैंने सोचा कल धनतेरस है तो आज से ही मैं रंगोली बना दूँगी, नहीं तो 2-3 घंटे इसमें ही मेरे जाने वाले हैं। तो ये रंगोली मैंने बनाने ली और विहान सोया था क्योंकि वो जल्दी से उठा था इसीलिए। तो आर्यन और मैंने बनके मिलके ये रंगोली बनाई, और आर्यन मुझे लड़कियां तो नहीं, 2 लड़के ही है, पर आर्यन जो है थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर देता है जिससे कि मुझे लड़की की कमी थोड़ी कमी महसूस नहीं होती है। तो यहाँ और वो यहाँ मैंने रंगोली उसको ड्रॉ करके दे दी थी, तो कलर वो फिलअप कर रहा था यहाँ, तो उसको थोड़े थोड़े भी काम मैं बताती हूँ तो कर देता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाती है क्योंकि अकेले में कलर फिलअप करना फिर रंगोली डालना ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। हमने दोनों ने मिलके फिर, मुझे उतनी भी प्रैक्टिस नहीं, बचपन में मैं जब स्कूल टाइम में थी तब तो बहुत सारी रंगोली निकालती, अभी बहुत ज़्यादा आदत भी छूट गई, कभी कभी ही निकालते हैं इसीलिए। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, यहाँ मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय रखी थी और नाश्ते में बनाए थे फुलके, और गुजरातियों के फेवरेट होते हैं फुलके और चाय और थोड़ा सा उसके साथ चूड़ा जो भी है वो चूड़ा, तो वही मैंने बनाए थे। और बच्चों को भी ये सब पसंद है, एक एक चपाती खाए तो भी फुल रहता है 2 बजे तक, तो इसलिए मैंने ये बनाया और इतना मस्त लग रहा था चाय फुलका खाने में। और सुबह भी हस्बैंड को डेली यही बना के देती हूँ तो वो भी खा लेते हैं रोटी। तो यहाँ मैंने सारे जो फुलके हैं वो भी बना लिए, और बच्चे उठे नहीं थे क्योंकि संडे ही था तो इसीलिए वो भी सो रहे थे, याद नहीं मुझे संडे था या कुछ, क्योंकि बहुत दिन हो गए वीडियो बना के मैंने। तो यहाँ मैं इंजॉय किया चपाती रोटी और चिवड़ा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा था तो ये इंजॉय किया। और फिर धनतेरस की जो रंगोली है वो मैंने बनाई, और इसका वीडियो मैंने कुछ शूट नहीं किया, डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के बाद ये वीडियो बनी है मेरे से, आप देख सकते कितनी सुंदर लग रही है ना, तो ये बनाई मैंने। तो कल आए वो तोरण एक दरवाजे पे ये वाला लगाया जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, गणपति की उस पर थोड़े थोड़े डेकोरेशन है इसलिए। और ये जो है मेरे नए मंदिर को लगाया, और ये रहा मेरा मंदिर, आप लोगों को मैंने दिखाना भूल गई थी, तो ये देख लीजिए ये मैंने मंदिर लिया हुआ है, 7 का जो मंदिर होता है वो लिया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। कलर वगैरह फ़ोन उतना कैप्चर नहीं कर रहा है पर ऐसे बहुत अच्छा है, तो इसको भी मैंने सोचा नया मंदिर है तो कुछ ना कुछ डेकोरेशन कर लो। और मैंने मतलब चकली बनाई नहीं थी और शंकरपाड़े भी बनाए नहीं थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, इससे पहले मैंने आपको चूड़ा और शेवी बनाई, तो आज सोचा मैंने शंकरपाड़े थोड़े बनाऊँ क्योंकि आर्यन को बहुत ज़्यादा पसंद है शंकरपाड़े, तो थोड़े बहुत बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए, जितना खा पाए उतना ही बनाए, नहीं तो वेस्ट हो जाता है और मैं उतना भी मीठा नहीं खाती हूँ इसीलिए। तो यहाँ तो शंकरपाड़े तो बन गए हैं और सिर्फ मेरी करंजी जो है वो बनाने रह गई है,
तो पहले तो बच्चों को खाना खिला दूँ, फिर उसके बाद करंजी और चकली बनाऊंगी। और आज है धनतेरस और आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों को पहले खाना खिला देती हूँ, उसके बाद ही फिर करंजी वगैरह करूँगी और रात को पूजा वगैरह करनी है सिर्फ, बाकी तो सब काम हो गए। और जल्दी से खाना बना दूँगी रात का। तो रात का खाना भी मैंने जल्दी ही बना दिया क्योंकि पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और ये सब काम करने ही बैठे तो पूजा भी अच्छे से नहीं होती। यहाँ मैंने आज ज़्यादा स्पेशल खाना तो नहीं बनाया था, आलू की सब्जी और थोड़ा सा भगवान को चढ़ाने के लिए शीरा बनाया और जो रेडीमेड जो प्रसाद है हस्बैंड लेके आए थे तो वो भी मैंने रखा, रोटी सिंपली खाना रखा, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि फिर खाता थे ऑयली चीज़ इसलिए। फिर यहाँ धनतेरस की छोटी सी बाहर एक रंगोली निकाली और घर के अंदर एक निकाली। उसके बाद हम लोग फिर रात को निकले थे थोड़ा सा पूजा का सामान लेने के लिए, धनतेरस थी इसीलिए। और मुझे कुछ कलश वगैरह भी लेना था और भगवान की जो अपनी मूर्ति होती है वो भी लेनी थी। मूर्ति पर बहुत ज़्यादा बड़ी भी लग रही थी इसलिए फिर मैंने मूर्ति वगैरह नहीं ली। और ये शॉप पे बहुत ज़्यादा सामान भी था और सब कुछ एक ही जगह मिल गया। पत्ते पान नागिल के पान जो होते वो लगाए, तो नागिन के पत्ते मुझे कहीं मिलने रहते पर एक वो जो दुकान है वहाँ सब कुछ मिल गया। फिर घर पे आ गए और पूजा जो है मैंने स्थापन करना चालू कर दिया। खाना तो मैंने बना ही दिया था, सिर्फ रोटी बाकी थी मेरी। और यहाँ मैंने स्थापना किया कलश और अशोका के पान भी थोड़े से लिए और फूल बहुत ज़्यादा महंगे थे इसलिए जितने चाहिए थे उतने ही लिए मैंने। और मंदिर के बाजू में मस्त स्थापना करी। और ये जो चार नागेली के पत्ते दिख रहे हैं आपको, एक मैंने गणेश लक्ष्मी और यम देवता और कुबेर देवता के लिए चार पत्ते लगाए यहाँ। उस पर सुपारी, आपके पास अगर सुपारी नहीं है तो आप चांदी के जो गणपति छोटे छोटे होते, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने सुपारी स्थापन की और एक सिक्का था चांदी का वो रखा वहाँ। तो इस तरह से अच्छे से स्थापना भी हुई मेरी। और जो कलश आप देख रहे हैं उसमें मैंने जो भी पांच प्रकार के धान्य होते घर में वो रखा और एक नया झाड़ू भी लाया था मैंने क्योंकि इस दिन हमको नया झाड़ू नमक ऐसा कुछ लेना चाहिए। और चांदी की जो चांदी या सोने की भी चीज़ें लेते हैं पर मैंने इस बार कुछ नहीं, गणपति लेने का तो प्लान था पर हस्बैंड लेट आए और जा भी नहीं पाए हम सिटी में इसलिए गणपति नहीं लिया मैंने। जो भी पुरानी चीज़ें थी, फिर एक चांदी का सिक्का था वही पूजा में रखा। और इस तरह से जो भी हमारे गहने वगैरह है और जितने पैसे है वो मैंने पूजा के पास रखा। और जो 13 दिए लाए थे मैंने छोटे छोटे, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन 13 दिए धनतेरस है तो 13 दिए जलाने चाहिए, तो 13 दिए भी यहाँ लगाए। और पूजा करने के बाद इतना सुंदर लग रहा था घर में और इतना प्रसन्न भी लग रहा था। उसके बाद हम दोनों ने हस्बैंड ने मिल के आरती करी और बच्चा विहान आरती में आया नहीं रहा तो फिर आर्यन को ही बिठाया यहाँ और मस्त पूजा करी आरती करी। और इतना अच्छा लग रहा था पूजा के टाइम, घर में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ देवी देवता ही आ गए ऐसा ही लग रहा था। तो यहाँ विहान ने क्या दिए से देख के थोड़ा सा डरता है, मतलब उसको एक बार हाथ को थोड़ा सा जल गया इसीलिए। तो यहाँ पूजा भी, उससे भी मैंने आरती करवाई और ये मस्त हमारी पूजा वगैरह। आप लोग भी कैसे धनतेरस मनाए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।